हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की निकली हुई है, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहां पर जो फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 3 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, जो कि अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट के नेम भी मेंशन किए हुए हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक वैकेंसी निकली हुई है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास में डिग्री इन फार्मेसी मींस कि बी फार्मेसी हो, या फिर अगर बी फार्मेसी न हो तो आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, और अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो आपके पास में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है। अगर बी फार्मेसी है तो यहाँ पर फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो आपके पास में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। जैसे MS ऑफिस पर आपको काम करना आना चाहिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल रिसीव और सेंड करने आने चाहिए, और उसके साथ साथ आप ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना आपका मैंडेटरी है, वो भी मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात कर लें तो पर मंथ 13,000 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। आगे इसके कुछ नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा और इसके रूल्स रेगुलेशन आप क्लियर तरीके से यहां पर पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से यहां पर बता रहा है, इस फॉर्म की लास्ट डेट जो रहेगी वो 24 जनवरी 2022 तक की रहेगी, जब तक कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट भी यहां पर इन्होंने मेंशन की हुई है। किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस पेज की लिंक होगी, पेज की लिंक को क्लिक कर लोगे, पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप ऊपर की तरफ आओगे, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको लिखा मिलेगा मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानना है कि किस तरीके का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हो। देन अप्लाई करने की अगर बात आती है और आपकी एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसका प्रिंटआउट निकालना है। प्रिंटआउट निकालने के बाद में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10+2, 10th डिप्लोमा इन फार्मेसी, और अगर बैचलर इन फार्मेसी है तो बैचलर इन फार्मेसी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 ईयर, और आधार कार्ड, उसके साथ साथ एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट इन मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, इनकी जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जेरॉक्स करनी है, सेल्फ अटेस्ट करने हैं, और इस एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि आपने प्रिंटआउट करके निकाला है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप भी कर चुके हो, उसके साथ में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपलर कर देना है। स्टेपलर करने के बाद में उनको रोल करना है, रोल करने के बाद में एक एनवलप परचेज करना है, और एक एनवलप में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अंदर पैक कर देना है, और डॉक्यूमेंट के एनवलप के ऊपर आपको ये मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर फार्मासिस्ट, इस तरीके से आपको वहाँ लिखना होगा उस एनवलप पर, और लिखने के बाद में वो आपको दिए हुए एड्रेस पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे, इनका जो भी प्रोसेस है बाय कॉन्टैक्ट और बाय मेल एड्रेस, ये आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसकी जो भी मेरिट लिस्ट या जो भी कॉल आएगी आपको इंटरव्यू के लिए या रिटन एग्जाम के लिए, वो आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ क्लियर हो रखा होगा कि किस तरीके से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो वो जो एनवलप है जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रखा है और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट भी रखे हुए हैं, और उस एनवलप में जो एड्रेस आपको मेंशन करना है कि ये कहाँ पर आपको सेंड करना है, तो वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर मध्य प्रदेश स्टेट एड्स
कंट्रोल कमेटी भोपाल, यहाँ पर ही आपको सेंड करना है। इसका रिप्लाई आपको जल्द ही आपके मोबाइल पर या फिर मेल एड्रेस पर प्रोवाइड हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें